एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी कम नहीं हो रही है। जहां एक तरफ नेताओं और पार्टियों ने लोगों की मदद के लिए हर समय अपने कदम बढ़ाए हैं, वहीं दूसरी तरफ वार और पलटवार का दौर भी जारी है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का है। यहां आए दिन मुख्यमंत्री योगी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक दूसरे पर तंज कसते हैं। इस कोरोना काल में भी दोनों कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट देख लीजिए। चलिए, कुछ भी बताने से पहले हम सपा मुखिया के ट्वीट के बारे में बता देते हैं। अखिलेश यादव ने आज सुबह ही एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वो समाजवादी पार्टी को जनता की मदद नहीं करने दे रही है, उल्टा उन पर केस कर रही है। अखिलेश यादव ने लिखा, कोरोना काल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राशन वितरण व जनता की सहायता करने पर भाजपा सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाना अमानवीय व निंदनीय है। कंप्यूटर के सामने दिखावे की समीक्षा करने से हालात नहीं सुधरेंगे। सत्ताधारियों को सड़क पर उतरकर सपा की तरह सीधी सेवा करनी होगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर योगी सरकार को नसीहत दी थी। सरकार को सभी जरूरी सामानों की पूर्ति करनी चाहिए, साथ ही नकदी की समस्या का समाधान निकलना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की तार्किक मांग तभी सार्थक होगी जब कोरोना की सघन जांच हो व स्वास्थ्य कर्मियों को चतुर्थिक सुरक्षा तथा जनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मिल सके। नकदी की समस्या को खत्म करने के लिए बैंकों के साथ गांव, मोहल्ले, कॉलोनी स्तर पर व्यवस्था करनी होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद सरकार कोरोना पर लगाम नहीं लगा पा रही है। उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने सोमवार को 740 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट जारी की। इनमें 40 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में सबसे ज्यादा 35 मरीज आगरा के हैं। लखनऊ के 4 मरीज हैं, वहीं सबसे परेशान करने वाले आंकड़े आगरा से सामने आ रहे हैं। यहां संक्रमण के मामले थम नहीं रहे हैं। अकेले आगरा में ही संक्रमित मरीजों की संख्या 138 तक पहुंच गई है।